हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जो कि ठहर सिबीगंज बरेली में। देखिए, यहाँ पर हम आपके लिए लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं क्लास टेंथ की, और जिसमें एक्सरसाइज हम आपके लिए पढ़ा रहे थे 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में हमने आपके लिए पहला प्रश्न बता दिया था, द्विघात समीकरण चल रही है आपके लिए। अब हम आपके लिए बताने वाले हैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं आज, तो इस वीडियो में आपके लिए दूसरा प्रश्न बताने वाले हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है इसको जान लेते हैं। पहले प्रश्न लिखा है, ये बुक है विद्या की, ये बुक चल रही है, आपको पता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो विद्या की बुक पढ़ा रहे हैं, और इसमें 4 पॉइंट जो है आपके लिए, 1 का पहला सवाल मैंने सब करा दिया था कि द्विघात समीकरण चेक करनी थी। अब आपके लिए दूसरा बता रहे हैं, निम्न में से कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण है, यानी आपको ये चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, द्विघात समीकरण, ठीक है ना। ये चेक करना है आपके लिए कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये चेक करना है। क्या करना है, इसको चेक करना है, ठीक है ना, चेक करना है। इसमें दूसरे प्रश्न में ये कह रहा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये आप चेक करके बताइए। तो हम आपके लिए बताने वाले हैं, पहला प्रश्न है, मैं लिख देता हूं, पहला प्रश्न क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर में 5, ये हमारा पहला प्रश्न है बेटा। और इसमें हम आपको बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इसको हमें चेक करना है। तो करते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप इसके नीचे 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, 1, और 1 अगर मान लेंगे तो आप ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी आपके लिए एक्स स्क्वायर से गुणा करनी पड़ेगी, तो आपके लिए एक्स स्क्वायर जब गुणा करेगा तो x की घात 4 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में आप लिख दोगे 5, ये लिख दोगे। इसी तरीके से आप देखिए, x की घात 4 प्लस 1 और बराबर में 5 की गुणा x से हो जाएगी, एक्स स्क्वायर से हो जाएगी इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 5x², और यहाँ पर आप देखिए x की घात 4 और 5x² को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5x² और प्लस का 1 और बराबर में 0। क्या आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x की घात सबसे अधिकतम घात क्या है, तो मैं लिखूंगा x की अधिकतम घात कितनी है, 4। x की अधिकतम घात 4 है, तो इसलिए ये चतुर्थ घात का जो है समीकरण हो गया। तो क्या यह द्विघात समीकरण कहलाएगा, क्योंकि नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसकी 2 घात नहीं है, इसलिए आप कह सकते हो इसकी घात है 4, कितनी है, घात है 4, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लिख सकते हो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो बेटा इसका आंसर निकल के आया कि ये जो समीकरण हमारे पास दी गई थी वो द्विघात समीकरण नहीं है, बात समझ में आ गई, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, हमने इसको चेक कर लिया। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रश्न की, देखिए इसका दूसरा प्रश्न चेक करेंगे। अब दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, दूसरा प्रश्न ये लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x और माइनस का √x माइनस का 5 बराबर 0, ये है, ये समीकरण है। अब आपके लिए इसको चेक करना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है। तो आप देखिए यहां पर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और ये √x लिखा हुआ है। आप जानते हो कि अगर √x लिखा हुआ है उसका पावर होता है 1/2, यानी x की घात कितना है, 1/2 है, और माइनस का 5 बराबर 0। अब आप ये जानते होंगे कि अगर आपके लिए बहुपद होना जरूरी है, बहुपद में कभी भी घात या जो पावर होती है घात भिन्न रूप में नहीं होती है, तो आप ये देखिए कि ये नोट कर लो कि बहुपद में जो है, ये नोट मान लेना आप कि बहुपद में कभी भी घात भिन्न रूप में नहीं होती है। तो अगर भिन्न रूप में होगी तो बहुपद ही नहीं होगा, और बहुपद नहीं होगा तो द्विघात समीकरण जाहिर सी बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या लिख दोगे, ये जो है देखो x की घात 1/2, इसमें भिन्न रूप है इसका, इसीलिए ये जो है समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लिख दोगे द्विघात समीकरण
नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है ये, ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। देखिए थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, वाई प्लस वन अपॉन वाई और बराबर में वाई स्क्वायर, ये है, ये आपके लिए पार्ट है और हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम y को एलसीएम ले लेते हैं, तो y को जब एलसीएम लेंगे तो y की इससे गुणा हो जाएगी, यानी वाई स्क्वायर और प्लस वन बटे में y और बराबर में वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस वन और इसकी गुणा इससे हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वन और y की गुणा वाई स्क्वायर से हो जाएगी तो वाई क्यूब हो जाएगा। अब y क्यूब हो गया तो आप इसको समीकरण को सही तरीके से लिखिए, तो कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से। तो इट इम्प्लाइज y क्यूब पहले लिख लिया इधर वाला और ये y स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का y स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 भी उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा बराबर में 0। अब आप देख सकते हैं इसकी घात कितनी है, इस बहुपद की घात कितनी है, 3। तो अगर बहुपद की घात 3 है तो ये कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस घात 3 है इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी, यानी आपका रिजल्ट निकल के आया जो तीसरा प्रश्न है इसमें भी द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब अगला प्रश्न की बात करते हैं, चौथा प्रश्न है, देखिए ध्यान से यहां पर चौथा प्रश्न की बात करते हैं, चौथा प्रश्न है। अब चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न यह है कि 2x स्क्वायर और माइनस का रूट 3x, एक्स अलग है और प्लस का 9 बराबर में 0, ये है। अब देख सकते हैं यहां पर ये लिखा हुआ है, फोर्थ वाला है। अब ये 2x स्क्वायर और माइनस का रूट 3x और प्लस 9 बराबर 0 है। अब आप कहेंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण है, तो ये वाली तो द्विघात समीकरण होगी क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर x की पावर जो है भिन्न रूप में नहीं है और घात भी 2 है, तो इसलिए ये तो द्विघात समीकरण होगी, ठीक है ना। तो आप लिख देखते हैं घात इसकी कितनी है, घात है इसकी आप ये लिखेंगे 2, घात 2 है इसलिए ये द्विघात समीकरण है, क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अच्छा एक बात सुन लीजिए, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये रूट 3x लिखा है, नहीं, ये लिखा है रूट 3 और x अलग है। अगर ये रूट 3x लिखा होगा, यानी अगर उसका 7 ही लिखा होगा, अगर आपने 7 लिख दिया तो रूट 3 भी होगा और x की घात 1/2 हो जाएगा, तब ये बहुपद नहीं होगा और तब ये ना द्विघात समीकरण होगा, यानी अगर x की भिन्न घात हो गई तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। तो अगर मैं रूट पूरा लगा दूं तो अब यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, लेकिन यह x अलग है इसलिए यह द्विघात समीकरण है, यह बात आप ध्यान रखना। अगर सवाल में रूट 3x पूरा होगा रूट के अंदर तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, लेकिन अगर खाली है रूट 3 और x अलग है तो यह द्विघात समीकरण बिल्कुल होगा, कंप्लीटली होगा द्विघात समीकरण, तो इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब बात करते हैं इसी के पांचवें पार्ट की, तो पांचवें पार्ट की हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है वाई प्लस 1/y का होल स्क्वायर और बराबर में 3 वाई प्लस 1/y और प्लस 4, ये लिखा हुआ है, देख लीजिए ध्यान से। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/y² प्लस 2ab यानी 2y और गुणे 1/y और बराबर में 3 की गुणा यहाँ कराओ तो 3y हो जाएगा, 3 की उससे होगी गुणा तो 3/y हो जाएगा और प्लस का 4, ये है। अब क्या करेंगे, अब देखें वाई स्क्वायर और प्लस 1/y² और प्लस y से y कैंसिल हो गया, प्लस का 2 आ गया और बराबर में 3y और प्लस 3/y प्लस 4, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब y स्क्वायर की गुणा यहाँ पर करा दीजिए तो एलसीएम ले लेंगे, y की घात 4 हो जाएगा और प्लस का 1/y² और प्लस 2 ये है प्लस का और 4 इधर ले आओ माइनस का 4 हो गया और ये 3y इधर ले आओ माइनस का 3y हो गया और 3/y इधर ले आओ माइनस का 3/y बराबर 0। अब देखिए y की घात 4 प्लस 1/y² है तो मैं इसको तो ऐसे लिख दे रहा हूं और प्लस यहां 4 में से 2 चला गया माइनस का 2 बचा और यहां भी एलसीएम ले लो, यहां कितना आ जाएगा 3y की इससे गुणा होगी
तो माइनस का 3 बाई स्क्वायर और माइनस का 3 और बटे में बाई हो जाएगा और बाई हो गया और बराबर में 0। तो अब यहाँ पर देखिए कि जब भी यहाँ पर y कॉमन ले लिया जाएगा यानी y स्क्वायर कॉमन रहेगा और आप ये देखिए सबसे ज्यादा घात कितनी है, 4 है, y की घात 4। तो यानी इस पॉलिनोमियल की घात आप लिख दोगे 4 और ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो पूरी तरीके से हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न यहाँ आपके लिए अभी कराएंगे तुरंत, और तीसरा प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पर अब आपके लिए स्टूडेंट तीसरा सवाल है, यहाँ पर तीसरा सवाल ये है आपके लिए, क्या कह रहा है तीसरा सवाल, मैं आपके पढ़ के बताता हूँ। निम्नलिखित समीकरणों के सामने दिए गए मानों की जांच कीजिए कि क्या ये मान दी गई समीकरण के मूल हैं या नहीं। देखिए आपको ये चेक करना है कि मूल हैं या नहीं, या नहीं। तो अब हम आपको बताते हैं कि मूल हैं या नहीं कैसे चेक करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास एक बहुपद दिया गया है और हमने वो माना, अगर बहुपद कोई भी पी एक्स है, क्या है, पी एक्स बहुपद है, और इसके मूल अगर हमने माना कि एक एक्स वन मूल दिया गया, क्या दिया गया, एक्स वन मूल। अगर ये एक्स वन मूल होगा तो इसका मतलब होगा कि पॉलिनोमियल में यानी बहुपद में एक्स की जगह एक्स वन रखने पर इसका मान क्या आएगा, जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जीरो। अगर ये एक्स वन का मान यानी एक मूल होगा, जो मूल है उसकी वैल्यू बहुपद में डालने पर अगर उसका मान जीरो आता है तो वो जाहिर सी बात है क्या होगा, उसका एक मूल होगा, उसका एक रूट होगा। इस बात को हमें समझना है। तो यहां पर हम पहला सवाल कराते हैं आपके लिए, इसको समझ जाएंगे। देखिए पहला सवाल ये दिया गया है, यहां पर लिखा गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 3ab/2 और प्लस 2b² बराबर 0, ये दिया गया है। और यहां पर इसके सामने दिया गया है बाई बराबर ए बटे बी। पहले तो हमें ए बटे बी पर चेक करना है कि क्या ये जो है होगा, यहां पर मूल होगा क्या इसका, इस जो समीकरण का मूल है वो ये होगा। तो चेक करते हैं, बाई बराबर ए अपॉन बी रख दो इस समीकरण में। तो मैंने रखा ए स्क्वायर इंटू बाई का मान है ए अपॉन बी, तो ए अपॉन बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3ab और गुणे बाई का मान है ए अपॉन बी और प्लस 2b² बराबर में 0 हमें प्रूफ करना है। अगर 0 आ गया तो होगा, अगर 0 नहीं आया तो नहीं होगा। तो यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर गुणे, यहाँ हो जाएगा देखिए ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और माइनस का 3ab, तो b से b कैंसिल होगा यहाँ पर, तो हो गया माइनस का 3a² और प्लस का 2b², ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, a² a² a की घात 4 और बटे में 2b² और माइनस का यहाँ पर हो गया 3a² और प्लस का 2b². तो b के साथ इसको ले लो यहाँ पर, तो इसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा a की घात 4 और अपॉन 2b² और ये वाला इधर ले लो प्लस का 2b² और माइनस का 3a². देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर कोई भी टर्म कटेगी नहीं, यानी इसका मतलब ये जीरो नहीं होगा। आप गुणा भी करा के देख लीजिए, ए की घात 4 और प्लस 2b² की इससे करोगे तो हो जाएगा 2b² और बटे में 2b² और माइनस 3a², ये। अब इसका मान किसी भी तरीके से आप देखिए यहाँ पर जीरो नहीं होगा। तो जब जीरो नहीं होगा यहाँ पर इस तरीके से पूरा सॉल्व करके आपको बता रहे हैं, ए की घात 4 प्लस 2b² और 2b² एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ गुणा हो जाएगी, यानी 3a² 2 माइनस का 3a² 2 और बटे में 2b². क्या इसका मान जीरो हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर मान जीरो नहीं हो रहा है तो ये बाई बराबर ए बटा बी एक मूल नहीं है, एक मूल नहीं है, एक मूल नहीं है, बाई बराबर ए बटे बी एक मूल नहीं है। अब इसी तरीके से हम बाई बराबर बी अपॉन ए पर चेक करते हैं। देखिए दूसरा हमारे पास दिया गया बाई बराबर बी बटे ए, ये है, इसको भी चेक करते हैं। तो समीकरण में डालते हैं मान, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, इंटू 2b² यानी 2y², तो बी अपॉन ए का होल स्क्वायर और माइनस 3ab और इंटू बाई का मान आपके लिए दिया गया बी अपॉन ए और प्लस का 2b², ये दिया गया। अब सिंपली यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ए से ए कट गया
यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस का ये हो गया थ्री बी स्क्वायर और प्लस का टू बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी आप ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दो तो ये बच्चा बी स्क्वायर माइनस थ्री बी स्क्वायर और प्लस का टू बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, तो बी स्क्वायर और टू बी स्क्वायर जुड़ जाएंगे प्लस के, तो ये हो जाएगा थ्री बी स्क्वायर और माइनस का थ्री बी स्क्वायर ये वाला दिया गया है और ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा जीरो। इसका मतलब ये दो ये जो है मूल होगा, यानी बाई बराबर बी अपॉन ए एक मूल है, एक मूल है, बाई बराबर बी अपॉन ए एक मूल होगा, ठीक है ना। इस तरीके से यहां पर इस प्रश्न को कर सकते हैं। अब है दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या है देखिए, दूसरा प्रश्न है वाई स्क्वायर माइनस का थ्री वाई और प्लस का टू बराबर जीरो ये दिया गया है और इसका जो मूल पूछा गया है वो बाई बराबर दो पर, क्या बाई बराबर दो मूल होगा, क्या बाई बराबर माइनस वन होगा, ये दो वैल्यू आपकी दी गई हैं। तो दोनों वैल्यूओं को इसमें डाल कर देखना है, अगर जीरो आया तो सही है मूल होगा, अगर जीरो नहीं आया तो नहीं होगा। चलिए हम इसको भी आपको बताते हैं। देखिए बाई का मान दो रखेंगे, पहले दो का स्क्वायर माइनस तीन गुणे बाई का मान दो और प्लस दो बराबर में जीरो। तो आप देखिए दो का वर्ग चार माइनस तीन दूनी छः प्लस दो, अब यहाँ पे छः में से चार गया माइनस का दो और प्लस का दो, यानी आ गया आपके लिए जीरो। इसका मतलब बाई बराबर दो जो है वो मूल है, एक मूल है, एक मूल है, ठीक है। इसी तरीके से बाई बराबर माइनस वन पे चेक कीजिए, तो बाई का मान माइनस वन रख दो, माइनस वन का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस वन और प्लस का टू, तो ये हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर वन और ये प्लस का तीन प्लस दो, तो यहाँ तीन दो पाँच और एक छः हो जाएगा। क्या ये जीरो है, नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो। इसलिए आप कह सकते हो कि जो है बाई बराबर माइनस वन मूल नहीं है, एक मूल नहीं है, एक मूल नहीं है, तो ये हो गया।